एवरीडे से लेके पार्टी वेयर तक, सुपर अफोर्डेबल से लेके थोड़े से एक्सपेंसिव तक, हर तरह के आउटफिट आज हम देखने वाले हैं। हाय एवरीवन, नमस्ते, आई एम शैली एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे ही दिया है कि आज हम देखने वाले हैं हर तरह के आउटफिट्स, यानी कि रोज भी पहनने वाले भी देखने वाले हैं और पार्टी वेयर ऑप्शंस भी देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं ब्यूटीफुल कुर्ताज, हैवी डिजाइनर सूट्स विद दुपट्टा, कुर्ताज विद स्कर्ट्स एंड कंप्लीट थ्री पीस सूट सेट्स हर ओकेजन के लिए, एवरीडे से लेके पार्टी वेयर तक, ठीक है। और हमेशा की तरह आज भी हमने जो प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं अलग अलग वेबसाइट से मंगवाए हैं, मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट, आजियो, अमेज़न, हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से मंगवाते हैं प्रोडक्ट्स एंड देखते हैं कि किसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आज भी मैं आपको यही बोलूंगी कि ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, जैसे आप मुझे यहाँ प्यार देते हो वहाँ भी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ भी आ जाओ, उतना ही प्यार दो मुझे। तो हाँ, चलिए अब जो है स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो के साथ। ओके, तो जो हमारा पहला आउटफिट होने वाला है, इमेज आप यहाँ देख लेना, ये मैंने मीशो से मंगवाया है, ये नेवी ब्लू कलर में मैंने मंगवाया है। इसमें बेसिकली आपको टू ऑप्शंस मिलते हैं, पिंक एंड नेवी ब्लू। पिंक में वो बहुत सारी चीजें हैं, मैंने कहा नेवी ब्लू मंगवाते हैं, ठीक है। तो ये दो पीस में आपको मिलता है कुर्ता एंड स्कर्ट, देख लेते हैं कैसा है। ये भी मुझे 500-600 रुपए के आसपास का ही मिला, एग्जैक्ट प्राइस मुझे बिल्कुल याद नहीं रहते, बट मैं मीशो का जो है कोड मेंशन कर दूंगी, आप प्राइस चेक कर लेना, बट 500-600 रुपए का ही है, ठीक है। तो ये है हमारा कुर्ता, वेरी ब्यूटिफुल नेवी ब्लू कलर का हमारा ये कुर्ता है, ठीक है। स्ट्रेट फिट का कुर्ता है जिसमें साइड में आपको स्लिट्स मिल जाते हैं, ऑल ओवर प्रिंट है इसमें आगे और पीछे, मैं भी आपको प्रिंट दिखाऊंगी। एंड जो इसका चेस्ट एरिया आप देखो, इन्होंने ना यहाँ पर ये ऐसे गोटा पट्टी लगाई हुई है बीच बीच में एंड हॉरिजॉन्टली एंड डायगनली, एंड बाकी जो है ये प्रिंट किया हुआ है, गोल्डन प्रिंट, एंड स्लीव्स पे भी इन्होंने गोटा पट्टी हाईलाइट्स दी हुई है ऐसे, ठीक है। तो ये है सिंपल कुर्ता, रेयन इसका फैब्रिक है, वेरी 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 कंफर्टेबल। एंड मैं आपको बताऊँ, इमेज जो इन्होंने लगाई हुई है बहुत घटिया लग रहा है इमेज में, इनको पिक्चर क्लिक करनी नहीं आती, बहुत गंदा लग रहा है इमेज में, बट रियल में ये बहुत खूबसूरत है, जैसा इमेज में दिख रहा है उससे 10 times ज़्यादा अच्छा एंड कंफर्टेबल है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कंफर्टेबल। मैं जब भी कोई कपड़ा खरीदती हूँ, मेरे लिए सबसे पहले कम्फर्ट मैटर करता है, एंड ये बहुत कंफर्टेबल है, सुपर अफोर्डेबल है, एंड मुझे पहन के इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा, और कलर ऐसा है कि हर इंडियन स्किन टोन में बहुत अच्छा लगने। तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ इसका स्कर्ट। तो ये है हमारा स्कर्ट, थोड़ा सा क्रश्ड फैब्रिक में है, बट दिस इज रेयन, क्रश्ड इसका टेक्स्चर है, ठीक है। नीचे इन्होंने गोटा पट्टी हाईलाइट्स दी हुई है ऐसे। स्कर्ट का फ्लेयर नॉर्मल है, मीडियम है, ज़्यादा फ्लेयर नहीं है, आप देखो मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे, इतना फ्लेयर है, ठीक है। इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड मिल जाता है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि मीशो जो है, यहाँ पर लोकल सेलर्स आपको मिलते हैं, और हमेशा जब भी कुछ खरीदो, मुझे तो हमेशा यही शिकायत रहती है कि बॉटम जो है इनके टाइट होते हैं, हमेशा नॉर्मली ऐसा होता है, बट इसका जो स्कर्ट है बिल्कुल भी टाइट नहीं है, एकदम एग्जैक्ट मेरे फिट की है, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे लग रहा था कि जो मैंने सोचा था ना इस आउटफिट को लेकर, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा निकला है ये आउटफिट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। एंड अब मैं आपको इसको पहन के दिखा देती हूँ। नेक्स्ट हमारा आउटफिट होने वाला है, ये थ्री पीस सेट होने वाला है, जिसमें आपको मिलने वाला है अनारकली कुर्ता, पैंट्स एंड दुपट्टा। इमेज आप यहाँ देख लेना, ये मैंने मीशो से मंगवाया है एंड दिस इज बाय द ब्रांड इंडोवेरा, ठीक है। तो ये कुछ 1100-1200 रुपए के आसपास का मुझे मिला है, एग्जैक्ट प्राइस चेक कर लेना, कोड में दे दूंगी, ठीक है। तो कुर्ते से स्टार्ट कर लेते हैं, ये है हमारा कुर्ता, जैसा इमेज में दिखाया था प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है, डिजाइन कलर सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। सो दिस इज अनारकली कुर्ता, ठीक है, फ्लेयर आप देख लीजिए, ज्यादा फ्लेयर नहीं है, ए लाइन कुर्ता है, और इन्होंने ऑल ओवर प्रिंट है, ऑल ओवर
पूरा फ्लोरल प्रिंट है आगे भी पीछे भी ऐसे, एंड इसकी स्लीव्स 3/4 है, फैब्रिक है कॉटन, सुपर कंफर्टेबल, सुपर सॉफ्ट ऑन योर स्किन। एंड इस पे भी आप देखो चेस्ट एरिया पे इन्होंने बटन्स लगाए हुए हैं एंड गोटा पट्टी की डिटेलिंग्स दी हुई है, बाकी दिस इज ऑल प्रिंटेड। कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, मुझे अच्छा लगा कपड़े की क्वालिटी। इंडो एरा के कपड़े, काफी कपड़े तो बहुत ही खराब निकलते हैं, बहुत ही घटिया निकलते हैं, बट काफी कपड़े ठीक ठाक अच्छे भी निकल जाते हैं, तो ये अच्छा है एवरीडे के लिए, कॉलेज ऑफिस में पहनने के लिए, कैजुअल आउटिंग के लिए, डिनर्स के लिए, कुछ सुपर कंफर्टेबल आप समर्स में लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये है हमारा बॉटम, ठीक है, इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है जो कि आप इजिली पहन लें, कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये पैंट्स है, आप देखो फ्लेयर इतना है नीचे, ज्यादा फेरी पैंट्स नहीं है। ठीक है, इसका भी फैब्रिक है कॉटन, बट ये जो है थोड़ा सा पतला कपड़ा है, लाइक मुझे ऐसा लगा, आप देखो इसमें मेरा हाथ दिख रहा है, थोड़ा सा पतला मुझे लगा कपड़ा की क्वालिटी। बॉटम की क्वालिटी जो है कपड़े की ठीक ठाक है, ज्यादा कोई खास भी नहीं है, बट फिटिंग बहुत अच्छी है। इस कुर्ता सेट में मैं ये कहूंगी जो आप पहनते हैं नॉर्मली उसे एक साइज बड़ा लें, क्योंकि जो मुझे कुर्ता है मुझे थोड़ा सा मुझे टाइट लगा, मुझे लगा एक साइज बड़ा लेना चाहिए, और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई, बिल्कुल भी टाइट फील नहीं हुआ जब मैंने इसको एक साइज बड़ा लिया। तो इसमें इस ब्रांड में मुझे लगता है कि एक साइज आपको बड़ा लेना चाहिए। ठीक है, दिखा देती हूँ दुपट्टा, जो कि जिसको मैं दूंगी 0 नंबर, क्योंकि जिसकी क्वालिटी बहुत खराब है। लाइक इस तरह के जो दुपट्टे हैं ये मंडे मार्केट में 20-30 रुपीज में मिल रहे होते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत गंदी है, नेट की क्वालिटी 0 है, बहुत गंदी क्वालिटी की नेट लगाई हुई है। आप देख लो विड्थ भी ज्यादा नहीं है, बहुत हल्की क्वालिटी की नेट है, और ये इन्होंने यहाँ पे गोटा पट्टी डिटेलिंग दी हुई है। बट मैं आपको बता, जैसे जब मैंने इसको कैरी किया सूट के साथ तो इतना बुरा नहीं लगा, मतलब अच्छा लग रहा था, ओवरऑल लुक अच्छी आ रही थी, बट अगर आप पास से देखेंगे इसकी नेट की क्वालिटी बहुत गंदी है, बहुत खराब। मुझे लगता है जब एक तुम इतने पैसे ले रहे हो, 1200 रुपए ले रहे हो, कोई कम तो नहीं होते, तो एक अच्छा दुपट्टा आप कर सकते थे ना, तो ये घटिया क्वालिटी का दुपट्टा देखिए पूरी सूट की लुक खराब कर देते हैं ये लोग। बाकी ये सूट अच्छा है, आप ले सकते हैं समर्स के लिए। चलिए मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा आउटफिट होने वाला है, इमेज आप यहाँ देख लेना, ये भी मुझे 400-500 रुपए के आसपास का ही मिला है, ये भी अगेन मैंने मीशो से ही मंगवाया है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने इसको पहन के वहां पे अपने इमेजेस भी अपलोड किए हुए हैं, तो रिव्यूज मुझे बहुत अच्छे दिखे थे, इसलिए मैंने इसको मंगवाया है। इसमें भी अगेन आपको 4 से 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, बगेंडी, ग्रीन, बट मैंने व्हाइट मंगवाया क्योंकि समर्स है, इसलिए मैंने व्हाइट मंगवाया है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं कुर्ते के साथ। ये है हमारा कुर्ता, इसमें आप देखो, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका काम, ये बहुत ब्यूटीफुल है, इन्होंने पूरा काम किया हुआ है, पूरी कढ़ाई की हुई है, जैसे कश्मीरी कुर्ती भी होती है ना वैसे इन्होंने पूरा ये कढ़ाई की हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, और स्लीव्स पे भी आप देखो थोड़ा सा ऐसे ये पूरा काम किया हुआ है, जो कि अच्छा लग रहा है। तो बाकी ये कुर्ता बहुत सिंपल है, समो अप्रोप्रिएट है, आगे पीछे इट्स ऑल सिंपल, कपड़े का फैब्रिक है रेयन, सुपर सॉफ्ट ऑन स्किन, बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है पहनने में, बहुत ब्रीदेबल फैब्रिक है, बट ये जो है कपड़ा ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। आप देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मेरा हाथ बहुत इजीली दिख रहा है, तो आपको इसके नीचे कोई शमीज या इनर पहनना पड़ेगा वरना प्रिंट होगा। तो बाकी ये बहुत अच्छा है अगर आप इसको किसी शमीज के साथ पहनते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट कुर्ता है जिसमें आपको स्लाइड साइड में स्लिट्स ऐसे मिल जाती है। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल कुर्ता जिसमें सिर्फ यहाँ पर काम है और थोड़ा सा स्लीव्स पे काम है। ठीक है, दिखा देती हूँ पैंट्स, पैंट्स का भी अगेन सेम फैब्रिक है रेयन, इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है, पैंट्स मुझे बहुत टाइट लगी, मैंने एग्जैक्ट अपना साइज मंगवाया है बट पैंट्स बहुत टाइट है। ये सूट आप मंगवाते हैं तो एक साइज बड़ा मंगवाना, क्योंकि पैंट्स अगेन क्योंकि लोकल सेलर हैं तो पैंट्स की फिटिंग बहुत खराब होती है इनकी, तो ये बहुत टाइट है, अदरवाइज ये भी बहुत ब्रीदेबल फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल मक्खन कपड़ा है स्किन पे, सुपर सॉफ्ट, बस
इसका जो मुझे ये लगा कि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है और फिटिंग इशू है, जो आप साइज लेते हो सबसे बड़ा लेना वरना आपको पैंट्स तो टाइट लगेंगी, कुर्ता भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, तो एक साइज बड़े में जाना ठीक है। पैंट्स की लेंथ अच्छी है और पैंट्स में भी इन्होंने नीचे ऐसे ये डिटेलिंग दे रखी है जो कि काफी क्यूट लगती है। तो हाँ चलिए मैं आपको इसको भी पहन के दिखा देती हूँ। ओके देन नेक्स्ट मैंने मंगवाया है एक पार्टी वेयर कुर्ता विच इज फ्रॉम द ब्रांड वारंगा एंड ये मैंने मिंत्रा से मंगवाया है एंड बिकॉज ये वारंगा ब्रांड का है तो ये मिंत्रा पे भी है फ्लिपकार्ट पे भी है ठीक है। तो मैं आप दोनों का लिंक दे दूंगी जहाँ से आपको सस्ता मिला वहाँ से ले लेना ठीक है। सो दिस इज द कुर्ता इमेज आप यहाँ देख लो, ये मुझे 1000 रुपये का मिला है। तो ये है हमारा कुर्ता ठीक है, ए लाइन का हमारा एक कुर्ता है, कोई भी कट नहीं है, साइड में स्लीव्स है, 3/4 फैब्रिक है, रेयन सुपर सॉफ्ट सुपर कम्फर्टेबल फैब्रिक एंड ये जो इसका काम है मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये जो आप काम देखो बहुत ब्यूटीफुल सी इन्होंने कढ़ाई की हुई है, छोटे छोटे से एम्बेलिशमेंट्स यहाँ पर लगाए हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और बाकी इस कुर्ता पे ऑल ओवर गोल्डन प्रिंट है आगे भी एंड पीछे भी। तो मैं आपको बताऊँ वैसे तो एक कुर्ती खूबसूरत है बट जैसे इन्होंने इमेज में दिखाया है ना वेरी ब्यूटीफुल वाइब्रेंट वाला रेड कलर, वैसा रेड कलर नहीं है, थोड़ा सा दबा हुआ मरूनिश रेड है ये, एकदम वैसा रेड नहीं है, खिला खिला रेड जो उसमें दिख रहा है इमेज में, तो ये थोड़ा सा दबा हुआ जैसे कि आप देख सकते हो मरूनिश रेड है। बट कुर्ती खूबसूरत है, फिटिंग बहुत अच्छी आई और इसको पहन के मैं मोटी भी नहीं लग रही थी। तो ये कुर्ता मुझे अच्छा लगा है, कम्फर्टेबल है, थोड़ा सा मुझे महंगा लगा बट इसका काम अच्छा है, कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है। तो हाँ चलिए मैं आपको ये पहन के दिखा देती हूँ। ओके नेक्स्ट जो हमारा आउटफिट होने वाला है वो है इमेज आप यहाँ देख लें, दिस इज एवरी डे वेयर कुर्ता सेट जो कि अगेन मुझे 400-500 रुपये का मिला है, मीशो से मैंने मंगवाया है। तो ये है हमारा सूट, इसमें दो कलर ऑप्शन अवेलेबल है, पिंक एंड दिस वन, तो मैंने ये मंगवाया है ब्लू ठीक है। तो इस तरह का ये हमारा कुर्ता है, स्ट्रेट फिट का हमारा एक कुर्ता है जिसमें आपको साइड में स्लिट्स मिल जाती हैं ठीक है। ऑल ओवर प्रिंट है आगे भी पीछे भी एंड अगेन आप देखो यहाँ पर इन्होंने कोटा पट्टी से डिटेलिंग दी हुई है ठीक है, नेक पे भी एंड स्लीव्स पे भी, बाकी इट्स ऑल प्रिंटेड। रेयन इसका फैब्रिक है, सुपर सॉफ्ट सुपर कंफर्टेबल, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है ठीक है। पर यान इस सूट से मुझे शिकायत यही है कि ये बहुत ज़्यादा टाइट है, जो साइज़ में पहनती हूँ मैंने वही मंगवाया है बट बहुत टाइट है। तो मैं कहूँगी जो साइज़ आप पहनते हो उससे दो साइज़ ऊपर मंगवाएं, बाकी ये अच्छा है, अफोर्डेबल है, कम्फर्टेबल है, एवरी डे में पहनने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, समर्स के लिए बहुत अच्छा फैब्रिक है। तो ये है हमारी पैंट्स, इलास्टिकेटेड वेस्ट पैंट इन्होंने गिवन है ठीक है। पैंट्स का फ्लेयर आप देख लो इतना है, ज़्यादा नहीं है, प्रिंट है ऑल ओवर एंड नीचे ये इन्होंने गोटा पट्टी की हाइलाइट्स गिवन है ठीक है।
इसकी मैं कहूँगी कुर्ती तो टाइट थी बट जो ये बॉटम का जो है ये हमारा ये कंफर्टेबल था, ये एकदम मतलब परफेक्ट आया। तो ये थोड़ा इसका साइज का डामाडोल है, कुर्ती बहुत टाइट लगी बट ये बॉटम परफेक्ट फिट का था। तो हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप साइज अपने हिसाब से चेक करके मंगवाएं, एक आध साइज बड़ा ही मंगवाएं। बाकी दिस इज वेरी सॉफ्ट फैब्रिक फॉर समर, वेरी कंफर्टेबल, वेरी ब्रीदेबल फैब्रिक। इसको आप देख सकते हैं का दुपट्टा, ठीक है, व्हाइट कलर का दुपट्टा है, आप देखो। एंड जिसकी विड्थ काफी अच्छी है, विड्थ प्रॉपर है, लेंथ प्रॉपर है, एंड इन्होंने पूरा गोल्डन प्रिंट किया हुआ है। एंड साइड में ये पूरे ऐसे लटकन्स गिवन है चारों तरफ कॉर्नर्स में, ठीक है। और इसका जो फैब्रिक है, मुझे नहीं पता क्या है ये फैब्रिक, बट ये जो आप मतलब देखो थोड़ा सा ना नेट जैसा है, आप देखो क्लोजअप से, मुझे नहीं पता, बट दिस इज वेरी सॉफ्ट वाला दुपट्टा। तो हाँ, दुपट्टा भी अच्छा है, मतलब बहुत सॉफ्ट है, समझ में इजिली आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो हाँ, मैं आपको इसको पहन के दिखा देती हूँ। ओके, नेक्स्ट जो हम ऑप्शन देखने वाले हैं, ये प्लस साइज की जो विमेन्स होती हैं उनके लिए मैं दिखा रही हूँ। मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि यार हम ना, हमारा साइज है 3XL, 4XL, 5XL, तो हमारे लिए भी कुछ दिखाएं, हमें एवरीडे के लिए कुर्ते दिखते हैं, पार्टी वेयर देखने हैं। तो मैंने कहा चलिए शुरुआत करते हैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंक्लूड करेंगे प्लस साइज वालों के लिए भी, ठीक है। तो या फिर वो लेडीज जो कि प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनको भी उस टाइम पे 3XL, 4XL साइज की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज हम कुर्ता देखने वाले, दिस इज एवरी डे वेयर का कुर्ता, वेस्ट साइड का है तो ऑफ कोर्स अच्छा ही होने वाला है। दिस इज बाय द ब्रांड डिजा, DIZA इज द ब्रांड नेम, आई थिंक डिजा और डिजा, आई डोंट नो, बट ये है हमारा इमेज, आप यहाँ देख लेना, ठीक है। 700 रुपये का मुझे मिला है और बड़ा ही ब्यूटीफुल नेवी ब्लू कलर का हमारा ये कुर्ता है, जिसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट है ऑल ओवर, आप देखो ऐसे बहुत ब्यूटीफुल, सम अप्रोप्रिएट है, रेयॉन फैब्रिक है, सुपर कंफर्टेबल, सुपर सॉफ्ट ऑन स्किन। मुझे कलर और डिजाइन मुझे बहुत प्यारा लगा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो इन्होंने बटन्स लगाए हुए हैं, जिसमें दो ऊपर के ओपनेबल हैं एंड बाकी ओपनेबल नहीं है। तो इसमें मैंने लार्ज साइज मंगवाया है, बिकॉज दिस इज अ प्लस साइज ब्रांड, अगर मैं इसमें XL और 2XL मंगा लेती तो मुझे बहुत ज्यादा बड़े आते। तो आप देखो जब मैंने L पहना है वो भी मुझे बहुत लूज आ रहा है मेरे ऊपर। तो जो प्लस साइज के जो है, जिनको रिक्वायरमेंट है, उनके लिए ब्रांड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये मुझे कुर्ती बहुत अच्छी लगी, स्ट्रेट फिट की कुर्ती है, साइड में आपको मिल जाती है स्लिट, और समर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। लास्ट जो हमारा आउटफिट होने वाला है, दिस इज गोना बी माय मोस्ट फेवरेट आउटफिट, मुझे बहुत पसंद है, और जो मेरी वीडियोस देखते हैं आपको पता ही होगा कि जो मेरा मोस्ट फेवरेट आउटफिट होता है मैं लास्ट में ही दिखाती हूँ। तो यहाँ आप इमेज देख लेना, ठीक है। ये मिंत्रा पे भी अवेलेबल है, आजियो पे भी है, दोनों की लिंक डाल दूंगी, जहाँ पे अच्छा लगे आप वहाँ से खरीद लेना, जहाँ पे ज़्यादा सस्ता मिले वहाँ से खरीद लेना, ठीक है। तो क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में डाला ही हुआ है, तो चलिए मैं अब आपको दिखाऊंगी ये वाला आउटफिट, ठीक है। तो पहले कुर्ते से स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल डिजाइनर पार्टी वेयर आउटफिट, ठीक है। तो ये है हमारा कुर्ता, लुक एट दैट कुर्ता, जिसका कलर इज अमेजिंग, रानी पिंक कलर है, और रानी पिंक तो यार मुझे लगता है हर लड़की के वॉर्डरोब में ना कुछ तो होता ही होगा रानी पिंक कलर का, क्योंकि ये तो भाई फेस्टिव और वेडिंग जो सीजन होता है, ये वाला कलर उस सीजन की जान होता है, हर किसी ना किसी ने तो पहना ही होता है। बहुत ब्यूटीफुल कलर है, क्योंकि हर इंडियन स्किन टोन पे इतना ज्यादा खेल के आता है, व्हीटिश, मीडियम, डस्की, फेयर, कोई भी हो तो आप पे कलर तो अच्छा लगने ही वाला है, ठीक है। तो ये है हमारा कुर्ता, सबसे पहले मैं आपको काम दिखा देती हूँ इसका। लगातार कितना प्यारा एम्बेलिश
काम किया हुआ है, देखो कितनी प्यारी कढ़ाई की हुई है एंड बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने एम्बेलिशमेंट्स भी लगाए हुए हैं जो कि चमक रहे हैं, आपको दिख रहा हो। तो इसका जो फैब्रिक है दिस इज रेयॉन, वेरी सॉफ्ट फैब्रिक यार, बहुत सॉफ्ट है। और आप देखो पूरे कुर्ते पे बिना ऐसे छोटी छोटी सी इन्होंने बूटियाँ लगाई हुई हैं जो कि मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ, लगातार ऐसे इन्होंने पूरे कुर्ते पे छोटी छोटी सी बूटियाँ भी लगाई हुई हैं। एंड इसके अंदर आपको मिल जाती है लाइनिंग, क्योंकि भैया आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो आपको हर एक चीज़ देंगे ना ये। तो अंदर देखो सॉफ्ट सी लाइनिंग इन्होंने दे रखी है, ठीक है। स्लीव्स पे भी थोड़ी थोड़ी आपको ऐसे काम मिल जाता है पूरा, ठीक है। पीछे से इट्स ऑल सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये है हमारा कुर्ता जिसको मैं दूंगी 10/10। और बस मैं कहना चाहूंगी जो भी आप साइज पहनते हैं ना उसे एक साइज बड़ा लेना, वरना आपको टाइट लगने वाला है, बस एक साइज बड़ा लेना। बाकी इस कुर्ते में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं अच्छा लगा, कलर डिजाइन सब कुछ, मटेरियल इसका बहुत अच्छा है। ये है बॉटम जिससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, ये है बॉटम जिसका फैब्रिक है जॉर्जेट एंड जिसके अंदर आपको मिल जाती है लाइनिंग, इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है सो दैट आप इजीली इसको पहन ले, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ मैं क्यों डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जो लाइनिंग है सिर्फ यहीं तक गिवन है, सिर्फ यहीं तक, बाकी जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे इन्होंने लाइनिंग ही नहीं दी हुई। एंड ये चुन्नी कपड़ा है तो ये देखो आपका अंदर से आपकी लेग्स दिखने वाली हैं क्लियरली, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड लगा कि यार आपको हर चीज़ में फैशन घुसाना है, लाइक क्यों आप बेसिक सूट को बेसिक सूट रहने दे तो वो ज़्यादा अच्छा है ना, उसकी सिंप्लिसिटी क्यों ख़राब करनी है, उसकी ब्यूटी क्यों ख़राब करनी है ऐसी चीज़ें करके, कि इन्होंने लाइनिंग नहीं दे रखी, मुझे बहुत गंदा लगा। आपकी आधी लेग्स यहाँ से दिखने वाली हैं और ये बहुत ख़राब लग रहा है। तो ये सूट मैं रखने वाली हूँ, डेफिनेटली रखने वाली हूँ, मुझे बहुत पसंद आया, मेरा दिल आ गया है इसके कलर पे, मुझे लगता है मेरे पे ना बहुत खिल रहा है ये वाला कलर, और सभी पे खिलेगा, हर लड़की पे खिलेगा क्योंकि कलर इतना खूबसूरत है। बट मैं इसके अंदर डेफिनेटली लाइनिंग लगवाने वाली हूँ, देन मैं इसको पहनूंगी। चलिए दिखा देती हूँ दुपट्टा। तो ये है हमारा दुपट्टा, दुपट्टे का फैब्रिक सुपर सॉफ्ट, सुपर कंफर्टेबल क्वालिटी दुपट्टे की 10/10, बहुत सॉफ्ट वाला कपड़ा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। इस पे इन्होंने ये इस प्रिंट को क्या बोलते हैं, टाई एंड डाई प्रिंट इसको बोलते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये पूरा ना गोटा पट्टी लगाया हुआ है, इन चारों तरफ ये लटकन गिवन है, ठीक है। दुपट्टे की जो विड्थ है काफी कम है, सो दिस इज लाइक अ वेरी इजी पीजी कैरी वाला, इजी पीजी कैरी करने वाला दुपट्टा। लाइक ऐसा होता है ना कई कई सूट के दुपट्टे में कैरी नहीं होते, बार बार गिरते रहते हैं, संभाले ही नहीं जाते। सो दिस इज लाइक वेरी इजी टू कैरी करने वाला दुपट्टा, जिसको आप इजीली कैरी कर लोगे, और जैसे भी आपको ऐसे कैरी करना है, ऐसे कैरी करना है, साइड में कैरी करना है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत लाइट वेट है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कोई तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल और अच्छा दुपट्टा है। तो ये इस सूट को मैं दूंगी 9/10, 1 मार्क्स डिडक्ट मैंने किया है उसके बॉटम की वजह से, बाकी इस सूट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अच्छा नहीं लगेगा। एंड दूसरा थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा, मुझे लगता है कि तुम 2500 तक का भी दे देते ना, 2500-3000 तो भी अच्छा हो जाता, पर यार 4000 रुपये वो भी डिस्काउंट करने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट ये सूट बहुत खूबसूरत है, आप इसको रियल में देखेंगे तो आपका दिल आ जाने वाला है। तो हाँ चलिए मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। Thank you.